नमस्कार। कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा। क्योंकि अध्याय बड़ा है इसलिए इस अध्याय को हम 2 भागों में बांटकर करेंगे। आज भाग 1 आपके सामने। तो आज के अध्ययन के इस विषय में हमारे उप विषय रहेंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना कैसे एक चुनौती था कि जब देश आजाद हुआ तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना कैसे एक चुनौती था। इसके अलावा पहले 3 आम चुनाव भी जानेंगे, कब कब तीनों आम चुनाव हुए और किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ। इसके अलावा पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस की प्रधानता के कारण भी हम जानेंगे कि तीनों कि क्यों लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि एक दल के प्रभुत्व का अर्थ क्या है, क्योंकि पाठ का नाम भी एक दल के प्रभुत्व का दौर है। तो ये प्रश्न पैदा होता है कि एक दल के प्रभुत्व का अर्थ क्या है। तो एक दल के प्रभुत्व का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है, अगर हम जाने दोबारा फिर, एक दल के प्रभुत्व का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें अनेक राजनीतिक दलों के होते हुए भी अधिकांश मतदाता केवल एक ही दल को वोट देते। बहुत सारे दल होते हैं, ये भी नहीं है कि सिर्फ एक दल हो देश में, बहुदलीय प्रणाली प्रचलित होती है, लेकिन फिर भी अधिकांश मतदाता एक ही दल को वोट देते हैं और वही दल बार बार सरकार बनाता है। तो जब अधिकांश मतदाता एक ही दल को वोट दें और बार बार वही दल सरकार बनाए तो ऐसी व्यवस्था को हम एक दल के प्रभुत्व की व्यवस्था कहते हैं। तो पाठ की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इस पाठ की शुरुआत शंकर के प्रसिद्ध कार्टून से होती है। यह कार्टून एक दलीय प्रभुत्व के समय कांग्रेस द्वारा निभाई जा रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोहरी भूमिका और दोहरी नीति को दिखाता है। दोनों ही चित्रों में आप देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया है। सरकार चलाने वाले भी वही हैं, सत्ता में बैठे भी वही हैं और विपक्ष भी वही है। तो उस समय विपक्ष नाम की चीज नहीं थी जब जवाहरलाल नेहरू शासन करते हैं। तो उनकी दोहरी जो दिखा रखी है, दोहरी भूमिका दिखाई हुई है, सत्ता पक्ष की भूमिका भी उस समय वही निभा रहे थे और विपक्ष की भूमिका भी इस समय वही निभा रहे थे। अध्याय 1 और अध्याय 1 का नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने अनेक चुनौतियां थी। 5 चुनौतियां हमने आपको कराई थी। एक थी उसमें देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, दूसरी थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, तीसरी चुनौती थी विकास की चुनौती, चौथी पर अगर हम गौर करें तो शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, पाकिस्तान से जो बहुत सारे अल्पसंख्यक भारत में आए थे उनको फिर से बसाने की चुनौती भी हमारे सामने थी, और पांचवी चुनौती थी देशी रियासतों के विलय की चुनौती, 565 जो भारत में देशी रियासतें थी उनको भारत में मिलाने की चुनौती भी थी। तो अध्याय 1 में हमने देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती को भी किया था, शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती को भी किया था और देशी रियासतों के विलय की चुनौती को भी किया था। विकास की चुनौती जो है हम इसी पुस्तक के अध्याय 3 में करेंगे। आज हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा वो है लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, कि स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना कैसे एक चुनौती था। तो ये जो भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा था स्वतंत्रता के बाद, ऐसी ही चुनौतियों का सामना उस समय स्वतंत्र हुए दुनिया के कुछ दूसरे देश भी कर रहे थे। लेकिन इन चुनौतियों से डरकर इन देशों के नेताओं ने फैसला किया कि पहले देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाएगी और उसके बाद लोकतंत्र को अपनाया जाएगा। तो जब वो जिन चुनौतियों का वो सामना कर रहे थे जो हमने बताई, उसी समय जो देश स्वतंत्र हुए थे, जिस प्रकार भारत स्वतंत्र हुआ था, तो वैसी ही चुनौतियों का सामना दुनिया के दूसरे देश भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को परे रख दिया और सबसे पहले देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का निर्णय लिया कि सबसे पहले देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाएगी और उसके बाद
लोकतंत्र को अपनाया जाएगा। इसलिए इन देशों के नेताओं ने अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो लोकतंत्र की स्थापना न करके अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे जो उन्होंने अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई अपने देश में। जैसे कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र था लेकिन पूरा नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था। थोड़ा बहुत उन्होंने नियंत्रण या लोकतंत्र स्थापित किया, कुछ लोगों के शासन उनको शासन में भागीदार बनाया, लेकिन पूरा का पूरा नियंत्रण किसी एक ही नेता के हाथ में था। और कहीं पर कुछ देशों ने क्या किया कि कहीं पर एक दल का शासन स्थापित हो गया कि वहां पर एक ही दल का शासन स्थापित हो गया। और कहीं पर यह भी देखने में आया कि कहीं पर सेना ने सत्ता की भागदौड़ संभाल ली। तो जिन देशों ने लोकतंत्र की स्थापना न करके अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया उनमें ये तीन रूप देखने को मिले। इन अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे के साथ हुई थी कि जल्दी ही देश में लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। जिन देशों ने भी इन लोकतंत्र या अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली के किसी रूप को अपनाया तो उन्होंने ये वायदा किया था लोगों को कि जैसे ही कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाएगी, राष्ट्रीय एकता मजबूत हो जाएगी, देश में लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन देखने में आया कि जहाँ कहीं भी अलोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता चला गया, क्योंकि लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली को दोबारा लोकतंत्र में बदल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। भारत में भी ऐसी ही परिस्थितियाँ थी जैसी हमने आपको बताया, जिस प्रकार दूसरे देशों में थी। हर समाज को यह फैसला करना होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा, क्योंकि जब भारत में से अंग्रेज गए तो ये फैसला करना था कि अब हमने अपना शासन जो है वो अंग्रेजों के अनुसार चलाना है या फिर अपने अनुसार चलाना है। तो हर समाज को यह फैसला करना होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। हमारे नेता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही यह फैसला कर चुके थे कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की जाएगी। हमने जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था या अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा था, तब हमारे नेता जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे वो ये फैसला कर चुके थे कि जब भी देश स्वतंत्र होगा तो देश में जो सरकार की स्थापना की जाएगी, सरकार के जिस रूप की स्थापना की जाएगी वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगा। अब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें भी जो लागू हुआ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें भी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने की बात कही गई थी। संविधान की प्रस्तावना में ही ये लिख दिया गया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। हमारे जो नेता थे ये पहले से ही फैसला कर चुके थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही कि देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाएगी। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें भी लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की बात कही गई। लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ जान लेना भी जरूरी है। क्या है लोकतांत्रिक सरकार? तो लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ लोगों अर्थात जनता की सरकार से है। ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाए उसको लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो ऐसी सरकार में लोग चुनाव के द्वारा, ये एक महत्वपूर्ण शब्द है कि जब लोग जनता के द्वारा चुनी जाती है, लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ लोगों अर्थात जनता की सरकार से, और जनता कैसे सरकार को चुनती है? चुनाव के द्वारा। तो ऐसी सरकार को लोग चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं ऐसी सरकार में, और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो लोग हैं जब भी वोट पड़ते हैं तो एमपी और एमएलए का चुनाव करते हैं, और वास्तव में ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। तो इसमें चुनाव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए चुनाव करवाना जरूरी था, क्योंकि लोगों को चुनना था। तो अगर लोकतांत्रिक सरकार की आप स्थापना करना चाहते हैं तो चुनाव करवाना जरूरी था, और चुनाव करवाने के लिए ऐसी संस्था की स्थापना करना जरूरी था जो निष्पक्ष रहकर चुनाव करवा सके, क्योंकि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से उम्मीदवारों का चुनाव किया जाए। इसलिए देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जनवरी 1950 में
चुनाव आयोग की स्थापना की गई। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करने लायक है कि जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई और सुकुमार सेन को देश का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश का पहला चुनाव आयुक्त कौन था या किसे बनाया गया। सुकुमार सेन को देश का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया, चित्र आपके सामने है। शुरू शुरू में यह लगा कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी भी समय बड़ी आसानी से करवा लिया जाएगा। तो ये अनुमान नहीं था कि चुनाव करवाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए शुरू शुरू में लगा कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही बड़ी आसानी से करवा लिया जाएगा। लेकिन बाद में यह अनुभव किया गया कि भारत जैसे विशाल देश में चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं है। ये शुरू शुरू में जब कल्पनाएं कर रहे थे तब लगा, लेकिन जितना विशाल देश भारत है उसमें चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग ने पाया कि चुनाव करवाने से पहले दो काम करना जरूरी था। जब भी चुनाव होने होते हैं तो दो काम होने जरूरी हैं, और वो क्या है, चुनाव करवाने से पहले चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना जरूरी था। पहला तो काम ये है कि चुनाव करवाने से पहले चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना जरूरी था। सीमांकन क्या होता है, आप हरियाणा का मानचित्र देख रहे हैं और इसमें लोकसभा की सीटें दिखाई गई हैं, ये अम्बाला है, कुरुक्षेत्र, करनाल। तो अब कितना बड़ा क्षेत्र एक चुनाव क्षेत्र बनाया जाएगा ये तय करना बड़ा मुश्किल है, और उस समय सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि चुनाव करवाने के लिए अब ये तय करना मुश्किल था कि कितने बड़े क्षेत्र में एक चुनाव क्षेत्र बनाया जाएगा। तो ये आप इस तरह देख रहे हैं, उस समय ऐसा कोई काम नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, चुनाव करवाने की बात आई, तो ये चुनाव करवाने के लिए जो चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना था ये सबसे मुश्किल काम था, और ये काम तब तक नहीं हुआ था। दूसरा, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं की मतदाता सूची भी तैयार करना जरूरी था। पहले तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन ही नहीं हुआ था, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण ही नहीं हुआ था। तो चलो, अगर एक बार चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण हो गया है, दूसरा महत्वपूर्ण काम आता है प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं की लिस्ट, जिसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं, वो तैयार नहीं हुई थी। और ये दोनों काम जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन 1950 तक न तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था और ना ही मतदाता सूचियां तैयार की, ये दोनों काम नहीं हुए। तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन निर्धारण भी नहीं हुआ था और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं की सूची भी तैयार नहीं हुई थी, और इन दोनों कामों में समय लगना जरूरी था। ये दोनों काम जो थे वो टाइम लेने वाले थे, समय लेने वाले थे। इसके अलावा जब पहली मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो 40 लाख महिलाएं ऐसी मिली जिनके कोई नाम नहीं थे। एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, 40 लाख महिलाएं ऐसी मिली जिनके कोई नाम नहीं थे, इन्हें अल्लाह की बेटी, फलाने की बीबी, फलाने की माँ के नाम से पुकारा जाता था। उस जमाने में लड़कियों के नाम रखने की प्रथा नहीं थी, तो ऐसी बहुत सारी औरतें, 40 लाख औरतें ऐसी मिली जिनके नाम नहीं रखे गए थे। चुनाव आयोग ने ऐसे नामों को मानने से इनकार कर दिया कि फलाने की बीबी भी कोई नाम हुआ या फलाने या अल्लाह की बेटी ये क्या नाम हुआ। तो चुनाव आयोग ने ऐसे नामों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि या तो इसका पुनरावलोकन किया जाएगा या फिर ऐसे नामों को हटा दिया, या तो नाम रखो या फिर ऐसे नामों को हटा दिया। और ये संख्या जो एक बड़ी भारी संख्या थी, 40 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनके कोई नाम नहीं थे। उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे। जब पहला चुनाव होना था तो उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे, जिन्हें 3200 विधायकों, जिनको हम MLA कहते हैं, और 489 लोकसभा, जिनको हम सदस्य, जिनको हम MP कहते हैं, का चुनाव करना था। 17 करोड़ मतदाताओं को 3200 MLA और 489 या 489 MP का चुनाव करना था, लेकिन इन 17 करोड़ मतदाताओं में से केवल 15% ही पढ़े लिखे थे। ये भी एक बड़ी अजीब बात थी, ये एक बड़ी मुश्किल थी कि सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे 17 करोड़ मतदाताओं में से। ज़्यादातर मतदाता अनपढ़ और गरीब थे। अनपढ़ व्यक्ति अपना वोट कैसे डाले चुनाव आयोग को इस बारे में भी सोचना था। अब अगली मुश्किल ये आ गई कि अनपढ़ व्यक्ति से वोट कैसे डलवाया जाए, ये भी एक बड़ी मुश्किल का काम था।
इसलिए भारत जैसे देश में लोकतंत्र को सफल बनाना एक मुश्किल काम था, कि जितना आपको प्रॉब्लम बताई गई, ना तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन हुआ था, ना ही मतदाता सूची तैयार हुई थी, 40 लाख महिलाएं ऐसी मिली जिनके कोई नाम नहीं थे, और एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादातर मतदाता अनपढ़ थे, सिर्फ 15% ही पढ़े लिखे थे। तो इसलिए भारत जैसे देश में लोकतंत्र को सफल बनाना एक मुश्किल काम था, क्योंकि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता था जब मतदाता पढ़ा लिखा हो और अपने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मतदान करे। तो पहले चुनाव में मतदान के लिए क्या तरीका अपनाया गया? अब ये सोचने वाली बात है कि अनपढ़ लोगों के वोट डलवाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया। तो पहले आम चुनाव में हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मत पेटी रखी गई थी। अब चुनाव का तरीका पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन अगर हम पहले आम चुनाव की बात करें तो हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग पेटी रखी गई थी। मत पेटी पर एक तरफ उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह, वहाँ नाम, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति नाम नहीं पढ़ सकता था, इसलिए हर मतदान पेटी पर जो था वो चुनाव चिन्ह, उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह छपा होता था, तथा एक तरफ उम्मीदवार का जो पढ़े लिखे थे उनके लिए उम्मीदवार का नाम हिंदी, उर्दू और पंजाबी में लिखा गया था। इसके अलावा मतपेटी पर चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र और मतदान केंद्र की संख्या भी लिखी गई थी कि ये इस चुनाव मतदान केंद्र की मतपेटी है। तो आप ये देख रहे हैं एक व्यक्ति को वोट डालते हुए उस समय, तो अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग पेटियां रखी गई थी और इन पे उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह छपे हुए हैं। तो जो भी वोट डालने आता था वो मतपेटी पर अपने उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह देखता था और उसमें अपनी जो वोटर लिस्ट थी ना, वो जो स्लिप मिलती थी उसको वोट की डालने की, वो उसमें वो डाल देता था। प्रत्येक मतदाता को पीठासीन अधिकारी, जिसको प्रेजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, जो चुनाव करवाने की जिस पर जिम्मेदारी होती है, तो प्रत्येक मतदाता को पीठासीन अधिकारी की मोहर लगा एक खाली मत पत्र दिया जाता था। उस पर जो पर्ची थी उसकी वोट की, उस पर उस समय चुनाव चिन्ह नहीं छपे होते थे, चुनाव चिन्ह जो है मत पेटी पर छपे होते थे। तो जो पर्ची उसको दी जाती थी बस उस पर सिर्फ पीठासीन अधिकारी की मोहर लगी होती थी। खाली मत पत्र दिया जाता था जो उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार की मत पेटी में डालना होता था। इस काम के लिए लगभग 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ था। उस समय 20 लाख स्टील के बक्से उस समय खरीदे गए थे, क्योंकि हर उम्मीदवार को एक अलग बक्सा दिया गया था। चुनाव करवाने के लिए काफ़ी संख्या में कर्मचारियों की भी ज़रूरत थी, इसलिए चुनाव आयोग ने 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया था, क्योंकि बड़े पैमाने पर चुनाव करवा रहे थे। तो 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अलावा एक और चीज़ जो भारत में अपनाई गई थी उस समय भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, ये एक तरीका अपनाया गया था चुनाव का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया था। इसके द्वारा देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार दिया गया था। जबकि उस समय तक यूरोप के बहुत से देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के अंतर्गत महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया था। जबकि यूरोप के बहुत से देशों में उस समय तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो प्रश्न पैदा होता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली क्या है? क्या है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को सिर्फ पुरुषों को नहीं बल्कि स्त्रियों को भी, प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार होता है। तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब वो एक वोट देने की निश्चित आयु प्राप्त कर लेती है, सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो ऐसी प्रणाली को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली कहते हैं। अतः उस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार देना एक जोखिम भरा काम था, इसलिए पहले आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता था, क्योंकि हमने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया था, इसलिए पहले आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता है। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने अपने एक लेख में लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे
कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग असफल रहा है। ये ऑर्गेनाइजर ने लिखा था जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की प्रणाली उन्होंने लागू की है और स्त्रियों को जो वोट देने का अधिकार दिया है वो इसको देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में ये प्रयोग असफल रहा है। पहला आम चुनाव, तो पहले आम चुनाव की अगर हम बात करें तो पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक करवाया गया, दो काफ़ी लंबा चला था ये, 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक कराया गया, क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्सों में चुनाव 1952 में करवाए गए थे, इसलिए इसे 1952 का आम चुनाव कहते हैं। तो नोट कीजिए कि पहला आम चुनाव कब हुआ, 1952 में। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे, तो आप ये देख सकते हैं चुनाव अभियान जो चले उस समय जो अभियान चलते थे ऐसे ही चलते थे, बड़े बड़े पोस्टर छपते थे, स्थाई असंप्रदायिक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए कांग्रेस को वोट दें, और जवाहरलाल नेहरू का चित्र छपा हुआ था। हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ, ये नहीं है कि सिर्फ एक सीट के लिए एक ही उम्मीदवार था। तो अगर एवरेज मान के हम चलें, औसत मानकर चलें, तो हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। लोगों ने भी चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, हालांकि सभी लोगों ने वोट नहीं डाले, लेकिन फिर भी आधे से अधिक लोगों ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। जब पहले आम चुनाव के चुनाव परिणाम आए तो यह बात हर जगह मानी गई कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को अच्छी तरह से अंजाम दिया था। हारने वाले उम्मीदवारों ने भी माना, इस बात को माना कि चुनाव निष्पक्ष हुए थे। इतना होते हुए भी जो उम्मीदवार हार गए थे उन्होंने भी माना कि चुनाव निष्पक्ष हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनाव ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। इसी प्रकार हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को अच्छी प्रकार से अंजाम दिया है, इसलिए 1952 के चुनाव को पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इसने यह सिद्ध कर दिया था कि चुनाव गरीबी और अनपढ़ता के माहौल में भी करवाए जा सकते हैं। चुनाव परिणाम की अगर हम बात करें तो 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली, उसे लोकसभा की 489 उस समय सीटें थी, 489 सीटों में से 364 सीटें मिली। ये याद रखने वाली बात है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें मिली, 364 सीटें मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे मात्र 16 सीटें मिली, कहाँ 364 और कहाँ सिर्फ 16 सीटें। लोकसभा के चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी करवाए गए थे, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। अतः यह कहा जा सकता है कि पहले आम चुनाव के बाद पूरे देश में कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ, तो क्योंकि केंद्र स्तर पर भी और सभी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, अतः यह कहा जा सकता है कि पहले आम चुनाव के बाद पूरे देश में कांग्रेस का शासन। बात आती है दूसरे आम चुनाव की, क्योंकि तो दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था, जब जिस प्रकार पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, तो क्योंकि भारत में 5 साल के बाद चुनाव होते हैं तो बिल्कुल सही है कि दूसरा आम चुनाव 1957 में होगा। तो दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ, इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली, उसे अगर हम सीटों के हिसाब से देखें तो दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। भारी सफलता का मतलब है कि उसे लोकसभा की अब सीटें थोड़ी बढ़ गई थी, पहले चुनाव में लोकसभा की 489 सीटें थी और दूसरे आम चुनाव में लोकसभा की सीटें बढ़कर 494 हो गई, 494 हो गई। तो इन 494 सीटों में से अकेले कांग्रेस को 371 सीटें मिली थी। अब की बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे 27 सीटें मिली थी, तो ये काफी बड़ा डिफरेंस था, काफी बड़ा अंतर था, कहां
494 सीटों में से 371 सीटें और कहां सिर्फ 27 सीटें। दूसरे आम चुनाव में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। एक जो एक और महत्वपूर्ण चीज है वो जो हमने करनी है, दूसरे आम चुनाव में जो देखने को मिला वो था केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। जिस तरह आप उनका देख रहे हैं उनका चुनाव चिन्ह है, तो 1957 के दूसरे आम चुनाव में केरल में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी 1957 के आम चुनाव की राज्य स्तर पर, कि राज्य स्तर पर 1957 में केरल में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहां विधानसभा के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 126 टोटल सीटें थी, तो 126 सीटों में से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीटें मिली थी। इस पार्टी ने पांच आजाद उम्मीदवारों की सहायता से 126 का अगर हम आधा करें तो 63 आता है, तो सरकार बनाने के लिए 64 एमएलए चाहिए, तो 60 सीटें क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी, तो पांच आजाद उम्मीदवारों की सहायता से केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है या एक महत्वपूर्ण लाइन है कि किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो वो केरल है, और जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी ई एम एस नमुद्रीपाद इलमकुलम मनक्कल शंकरन नमुद्रीपाद पूरा नाम था, छोटा सा नाम उनका कहते हैं, इसी नाम से ये मशहूर थे। ई एम एस नमुद्रीपाद केरल के पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने, कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं थे क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो केरल के पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने। चित्र आपकी स्क्रीन पर है। ई एम एस नमुद्रीपाद हकलाकर बोलते थे, उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको बताई जा रही है कि वो हकलाकर बोलते थे। जब कोई उनसे पूछता था कि क्या आप हमेशा ही हकलाते हैं, तो उनका जवाब होता था नहीं, केवल तभी जब मैं बोलता हूं। तो ये उनका मजाकिया कलाम था। ई एम एस नमुद्रीपाद दो बार केरल के मुख्यमंत्री बने, पहली बार 5 अप्रैल 1957 से लेकर 31 जुलाई 1959 तक, 1959 दो साल तक रहे, और दूसरी बार 6 मार्च 1967 से लेकर 1 नवंबर 1969 तक, तो दो बार वो केरल के मुख्यमंत्री रहे। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनी थी। इन लाइनों का मतलब ये है कि भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से अर्थात चुनाव से बनी थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है क्रांतिकारी पार्टी मानी जाती है, जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि मजदूरों का हक उनको मिलना चाहिए, और मजदूरों को वो प्रेरित करते हैं कि आप जो भी बड़े आदमी है भूमि जमीन पद के मालिक है जमींदार उनको मार दो। लेकिन यहां पर ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई थी, इस पार्टी ने कोई क्रांति नहीं की थी, बल्कि चुनाव के द्वारा अपनी सरकार बनाई थी। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में यह पहला अवसर था जब भारत में के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी या बनी थी। सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने राज्य में कई कल्याणकारी नीतियां लागू की, लेकिन राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। कानून व्यवस्था कई काम लोगों के कल्याण के लिए किए, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाई, इसलिए कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। 1959 में केंद्र सरकार ने धारा 356 जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कहती है, तो केंद्र सरकार ने 1959 में धारा 356 के तहत केरल में या केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने का यह पहला उदाहरण था। धारा 356 का जहां प्रयोग किया गया था वो केरल था, क्योंकि वहां पर उसकी सरकार नहीं बनी थी, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी, तो राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने संघर्ष छेड़ दिया और केंद्र सरकार ने इसका फायदा उठाते हुए धारा 356 के तहत केरल में कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर। तो उस समय ये काफी विवाद का विषय रहा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। 1960 में केरल में मध्य अवधि चुनाव, जब बीच में ही कोई सरकार गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव करवाए जाते हैं उनको मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। तो 1960 में केरल में मध्य अवधि चुनाव हुए और वहां चुनाव के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनी।
तीसरा आम चुनाव जो 1962 में हुआ, इसका भी हम वर्णन कर लेते हैं यहां पर। तो तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ, याद रखने, पहला 1952 में, दूसरा 1957 में और तीसरा 1962 में। इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली, उसे लोकसभा की 494 सीटों में से 361 सीटें मिली। अब की बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे 29 सीटें मिली। थोड़ी सी उसकी भी सीटें बढ़ रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में नहीं बढ़ रही थी जिस हिसाब से कांग्रेस को सीटें आ रही थी। तो पहले तीन आम चुनाव के अगर हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष निकल कर ये आते हैं कि पहला आम चुनाव अगर हम देखें तो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, 489 सीटें थी, कांग्रेस को 364 सीटें मिली। इसी प्रकार अगर हम दूसरे चुनाव की बात करें तो दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ और दूसरे आम चुनाव में 494 सीटें में से अकेले कांग्रेस को 371 सीटें मिली। इसी प्रकार तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ, 494 सीटों में से कांग्रेस को 361 सीटें मिली। तो पहले चुनाव में 364, दूसरे चुनाव में 371 और तीसरे चुनाव में 361 सीटें कांग्रेस को मिली। पहले तीन आम चुनाव के परिणाम देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त करके अपनी प्रभुता का मतलब आप समझ गए हैं कि जब किसी देश में अनेक दल होते हुए भी लोग सिर्फ एक ही पार्टी को वोट देते हैं उसको उसकी प्रभुता कहते हैं। तो तीनों आम चुनाव में क्योंकि कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था, इस प्रकार से उसने अपनी प्रभुता स्थापित की। इसलिए रजनी कोठारी ने 1952 से 1967 तक के काल को एक दल की प्रभुता का युग कहा है। रजनी कोठारी ने जो 1952 से 1967 तक का समय रहा उसको एक दल की प्रभुता का युग कहा है। इसी प्रकार जोया हसन ने 1952 से 1967 तक के काल को कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस व्यवस्था का नाम दिया है कि जो इस दौरान शासन रहा उसको कांग्रेस प्रणाली या फिर उन्होंने कांग्रेस व्यवस्था का नाम दिया। 1952 से 1967 तक के काल को कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस व्यवस्था का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन चुनाव में अनेक दलों के होते हुए भी कांग्रेस ने अभी अपनी प्रभुता स्थापित की, अपने को बनाए रखा, अपनी सीटों को बचाए रखा। प्रश्न पैदा होता है कि पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस की प्रभुता या प्रधानता के क्या कारण थे, वो क्या कारण थे जिसके कारण लोग अनेक दलों के होते हुए भी सिर्फ कांग्रेस को वोट देते थे। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर हम नक्शा देखें, ये 1900 पहले लोकसभा का है, ये दूसरी लोकसभा का है, ये तीसरी लोकसभा का है, तो सिर्फ पूरे का पूरा आप पीला पीला देख रहे हैं। दो राज्य ऐसे रहे हैं जहां पर थोड़े समय के लिए गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं, नहीं तो पूरे देश में पहले चुनाव में तो पूरे देश में कांग्रेस का ही शासन स्थापित हुआ था। तो पहला क्यों लोग कांग्रेस को वोट देते थे, उसमें से पहला कारण है देश को आजाद करवाने में योगदान। कांग्रेस ने देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये हम सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुई थी बल्कि देश को आजाद करवाने के लिए हुई थी। तो देश को आजाद करवाने के लिए इस दल के नेताओं ने जेलों में जो कष्ट सहे थे उसके कारण यह दल जनता में लोकप्रिय बन गया था। इसी लोकप्रियता के कारण जनता पहले तीन आम चुनाव तक कांग्रेस को वोट देती रही। तो पहला कारण तो ये था कि कांग्रेस ने ही देश को आजाद करवाया था, इसलिए लोग इसकी, क्योंकि यह लोगों में लोकप्रिय बन गया था दल, तो इसलिए लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे। दूसरा कारण है राष्ट्रव्यापी संगठन। कांग्रेस के पास गांव-गांव तथा शहर शहर तक फैला एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक, जिसको हम कहते हैं, एक व्यवस्थित संगठन था जिसकी जड़ें गांव-गांव तथा शहर शहर तक फैली हुई थी। इस संगठन में एक और खास बात थी इस संगठन की कि उस समय इसमें सबकी बात सुनी जाती थी, चाहे वो गर्म दल का था चाहे वो नरम दल का था, सबकी बात को तवज्जो दी जाती थी। इसके अलावा कांग्रेस में कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता था, जो कांग्रेस के लिए मेहनत करते थे ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता था। ये कार्यकर्ता तन मन से पार्टी की सेवा करते थे। यह बात भी पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस के जीतने का कारण बने। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता इसके साथ जुड़े हुए थे, सबको मान सम्मान दिया जाता था,
पूरे देश में इसकी जड़ें फैली हुई थी, इसलिए भी कांग्रेस पहले तीन चुनाव जीतती रही। तीसरा कारण था व्यापक जनाधार। कांग्रेस में सभी धर्मों, जातियों और विचारों के लोग शामिल थे। देश के आजाद होने के बाद भी ये लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस को छोड़कर नहीं गए। सभी धर्मों, जातियों और एक मतलब धर्म या फिर एक जाति के लोग इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि सभी धर्मों, जातियों और विचारों के लोग शामिल थे। और जब देश आजाद हुआ, नई नई पार्टियां बनने लगी, तो उन पार्टियों के बनने के बाद भी ये लोग कांग्रेस से जुड़े रहे और चुनाव में कांग्रेस को वोट देते रहे। एक और कारण क्या था कांग्रेस के जीतने का या कांग्रेस की प्रभुता का, वो था योग्य नेतृत्व। पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नेताओं ने किया था। ये वे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था तथा अनेक कष्ट सहकर देश को आजाद करवाया था। ये नेता अच्छी छवि वाले थे, अतः लोगों ने इन नेताओं से प्रभावित होकर भी कांग्रेस को वोट दिया। जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने देश के लिए सब कुछ छोड़कर कष्ट सहे थे, तो जनता में इनकी एक अच्छी छवि बनी हुई थी। तो जब तक ये नेता कांग्रेस में बने रहे, तब तक लोग इनसे प्रभावित होकर कांग्रेस को वोट देते रहे और कांग्रेस पहले तीन आम चुनाव में अपनी प्रभुता बनाकर रख सके। पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस के जीतने का एक और कारण था जिसके कारण कांग्रेस लगातार जीतती जा रही थी, और वो था साधारण बहुमत प्रणाली को अपनाना। 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से केवल 45% वोट प्राप्त हुए थे। कुल वोटों में से 45% वोट प्राप्त होने का मतलब है कि 55% लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिए थे, सिर्फ 45% लोगों ने ही कांग्रेस को वोट दिए थे। लेकिन फिर भी हैरानी की बात यह है कि उसे 74% सीटें प्राप्त हुई थी। 45% वोट प्राप्त करके जो कुल सीटें थी वो 74% सीटें प्राप्त हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट मिले थे, 10% वोट मिले थे, लेकिन फिर भी यह पार्टी 3% सीटें भी जीत नहीं पाई थी। आखिर यह हुआ कैसे कि एक पार्टी को 55% लोग वोट नहीं देते हैं लेकिन फिर भी वो 74% सीटें जीतती है, और दूसरी पार्टी जिसको 10% वोटें प्राप्त होती है लेकिन फिर भी वो 3% सीटें नहीं प्राप्त कर पाती है? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था साधारण बहुमत प्रणाली को अपनाना। क्या थी ये साधारण बहुमत प्रणाली? इसे सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले की जीत प्रणाली भी कहते हैं, कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होंगे वही जीतेगा। तो इसलिए इसे सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले की जीत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस को इस प्रणाली का काफ़ी लाभ मिला। कैसे? इस प्रणाली में क्या है ये प्रणाली? इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, जिस उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं उसे जीता हुआ मान लिया जाता है, भले ही हारने वाले उम्मीदवारों को उससे ज़्यादा वोट मिले। तो समझने के लिए आगे हमने एक दिखाया गया है कि क्या है साधारण बहुमत प्रणाली। तो एक तरफ आप देख रहे हैं उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ जो है उम्मीदवार को प्राप्त वोट है। उम्मीदवार खड़े हैं, पांच उम्मीदवार खड़े हैं। अमर सिंह के वोट देखें तो उसको 100 वोट मिले हैं, अनिल कुमार को देखें तो उसको 111 वोट मिले हैं, असलम खान को अगर देखें तो 110 वोट मिले हैं, अजय कुमार को अगर हम देखें तो 105 वोट मिले हैं, और अगमदीप को अगर हम देखें तो 108 वोट मिले हैं। पांच उम्मीदवारों के वोट हैं, टोटल 534 वोट मिले हैं। और इसमें क्योंकि ये सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाली की जीत प्रणाली हम कहते हैं, 100 इन पांचों में से सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं वो 111 हैं और वो अनिल कुमार को मिले हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वोट जो हैं वो 111 हैं, क्योंकि उसको अगर हम देखें
कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बाकी को वोट 110 वोट प्राप्त कर रहा है लेकिन एक वोट कम है, फिर भी उसको 111 वोट को ज़्यादा माना जाता है। तो 100 जिसने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं वो 111 है और हारने वाले उम्मीदवारों के अगर वोट हम देखें वो 423 है। 423 वोट ज़्यादा होते हैं या 111 वोट ज़्यादा होते हैं ये सोचने वाली बात है। और इसी प्रणाली का फायदा कांग्रेस को पहले 3 आम चुनाव में मिला, इसको साधारण बहुमत प्रणाली कहते हैं कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होंगे वही जीतेगा, भले ही हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वोट उससे कितने भी ज़्यादा क्यों ना। एक और कारण कांग्रेस की प्रधानता का था वो था स्थानीय विशिष्ट जनों का सहयोग। कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल लेवल पर बड़े लोगों जिनको हम बिग मैन कहते हैं को अपने नियंत्रण में कर रखा था। और ये स्थानीय लोग कौन थे? ये स्थानीय स्तर के बड़े लोग अपने क्षेत्र में अपनी जाति या अपने धर्म में विशेष स्थान रखते थे। गाँव में इनकी चलती थी पूरी, तो गांव थे या शहर थे तो अपनी जाति पर या अपने धर्म पर विशेष स्थान रखते थे और लोग उनके कहने पर ही वोट देते थे। तो कांग्रेस ने इन बड़े लोगों को जिनको बिग मैन कहते हैं इनको अपने नियंत्रण में कर रखा था। जो जिस जाति के थे ये उसी जाति के लोग इनके कहने पर वोट देते थे। जब तक ये स्थानीय बड़े लोग कांग्रेस में बने रहे तब तक लोग इनके कहने पर कांग्रेस को ही वोट देते रहे। तो ये भी कांग्रेस की प्रधानता का एक कारण है। और एक और कारण है अव्वल और इकलौती पार्टी। भारत में जितने भी दल बने थे उन सभी का गठन स्वतंत्रता के आसपास या उसके बाद हुआ था। कांग्रेस इन सभी दलों में अव्वल और इकलौती पार्टी थी। सभी दलों में सबसे पहले, क्योंकि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे अव्वल का मतलब फर्स्ट नंबर पर थी और इकलौती पार्टी थी। स्वतंत्रता के समय तक यह पार्टी पूरे देश में फैल चुकी थी, पूरे देश में इसका जाल बचा हुआ था, जबकि दूसरी पार्टियां अभी अपने आप को खड़ा कर ही रही थी। इसलिए लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट देने की अपेक्षा कांग्रेस को वोट देना बेहतर समझा कि वो, क्योंकि वो नई पार्टियां थी, लोगों का विश्वास अभी उनमें नहीं था। तो लोगों ने जो नई पार्टियां बनी थी कैसे हैं वो लोग, देश की शासन व्यवस्था के प्रति उनका क्या रुख होगा, देश के विकास के प्रति उनकी क्या नजरिया होगा, इसको छोड़कर कांग्रेस को वोट देना ज़्यादा बेहतर समझा। इन्हीं कारणों से कांग्रेस पहले 3 चुनाव तक जीतती रही और केंद्र और राज्य स्तर पर उसकी सरकार बनती रही। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण कांग्रेस की प्रधानता बनी रही और वो पहले 3 आम चुनाव तक देश की इकलौती पार्टी रही और पूरे देश में केंद्र, चाहे वो केंद्र स्तर था चाहे वो राज्य स्तर था, उसकी सरकार बनती रही। धन्यवाद, नमस्कार।